समस्त मातृ शक्तियों, भाई बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन पूजा का श्रेष्ठ समय और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और करवा चौथ की पूजा विधि भी आज आपको हम बताएंगे। इसकी पावन कथा भी आपको हम सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से इस व्रत का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा, तो पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक अवश्य देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बड़ा ही महत्व है। पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है और शाम के समय पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दे करके इस व्रत का पारण करती है। करवा चौथ का व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती है। यह पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रख करके करवा माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस साल करवा चौथ का व्रत कब रहेगा, चंद्रोदय का समय कब रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात्रि 9:30 से आरंभ हो रही है। यह तिथि अगले दिन दिनांक 1 नवंबर 2023 बुधवार को रात्रि 9:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदयात तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत दिनांक 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। तो करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय इस प्रकार से रहेगा। 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय रात्रि 8:26 पर होगा। वहीं इस दिन शाम के 5:44 से शाम के 7:02 तक पूजा का सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस दिन करवा चौथ वाले दिन शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग बना हुआ है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः काल 6:33 से 2 नवंबर को प्रातः 4:36 तक रहेगा। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 2:07 से शिव नाम का योग शुरू हो जाएगा। इन दोनों शुभ संयोगों की वजह से इस साल करवा चौथ का व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। तो करवा चौथ की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक इस विधि से पूजा अर्चना करने से इस व्रत का पूरा पूरा फल मिलेगा। तो करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठें और सर्वप्रथम सूर्य देवता को तांबे के पात्र से अर्घ देवें। इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल, गौमूत्र आदि का छिटकाव करें और शुद्ध घी का दिया जलावें। फिर सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लेवें और शाम के समय पुनः स्नान करने के बाद जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं वहाँ पर गेहूँ से फलक बनावें या गेहूं का अष्टदल कमल बनावें। उसके बाद चावल पीस करके करवा की तस्वीर बनाएं। यह तस्वीर आजकल बाजार में बनी बनाई मिल जाती है। इसके बाद 8 पूरियों की अठवारी बना करके उसके साथ हलवा या खीर बनाएं और पक्का भोजन तैयार कर लेवें। तो इस पावन दिन पर शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। तो ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से माता गौरी की मूर्ति का निर्माण करें, साथ ही उनकी गोद में भगवान गणेश जी को भी विराजित करें। अब माँ गौरी को एक पटले पर विराजित करें, लाल रंग की चुनरी ओढ़ा करके उन्हें श्रृंगार का सामान श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। माँ गौरी के सामने जल से भरा हुआ एक कलश रखें, साथ ही एक टोटीदार करवा भी रखें जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जा सके। इसके बाद विधि पूर्वक गणेश गौरी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और करवा चौथ की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने। कथा सुनने से पूर्व करवे के ऊपर रोली से एक स्वास्तिक बनावे, एक सांतिया बनावे और करवे पर रोली से 13 बिंदियां भी लगावे। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर के कथा को श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त से सुने। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छलनी से देखें, पति का दर्शन करें। उसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर
इस व्रत का पारण करें। तो इस विधि से जो भी स्त्री यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करती है उस स्त्री को इस व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात करवा चौथ की यह पावन पौराणिक कथा अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंग भद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने को गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देख करके करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़ करके नदी के पास पहुंची, पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर के मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से ऐसा बंधा कि टस से मस्तक नहीं हो पा रहा था। तो करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। तो करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष बची हुई है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर के यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुँह से वापस निकाल लिया था, वैसे ही मेरे सुहाग की हमेशा आप सदा सर्वदा रक्षा करें। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से इस दिन यह पावन व्रत कथा सुनने से इस व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।